तो देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। नागरिकता संशोधन बिल का प्रशांत किशोर ने खुले तौर पर विरोध किया था जेडीयू के अंदर, और उसके ठीक दो से तीन दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक अब दिल्ली चुनाव में उनकी मदद करेगी। संजय सिंह हमारे साथ वरिष्ठ जेडीयू के नेता है मौजूद। संजय जी, इन दोनों चीज़ में क्या कनेक्शन आपको लगता है कि तीन दिन पहले खुले तौर पर नीतीश कुमार कहीं कह सकते हैं मुखालफत किया, जो फैसला नीतीश ने लिया था सीएबी पे, और अब आज अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी संस्था का टाई अप हुआ? देखिए, नागरिकता संशोधन बिल जो लोकसभा में पारित हुआ, तो लोकसभा के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों संसदीय दल के नेता आदरणीय ललन बाबू और आदरणीय रामचंद्र बाबू ने इस बिल का समर्थन किया। उनका समर्थन मतलब नीतीश कुमार जी का समर्थन है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर इस बिल का समर्थन पार्टी कर रही है, जो लोग पार्टी के अंदर है वो विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये निंदा का विषय है। अगर पार्टी में आप रहते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी ने संज्ञान लिया है। कल आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रख दिया कि अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी में रहते तो पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, निश्चित तौर पर पार्टी संज्ञान में लेगा। और जहाँ तक देखिए, ये लोग बिजनेसमैन हैं, इनका बिजनेस किसके साथ टाई अप हो रहा उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उनका बिजनेस है, बिजनेस करने वाले के बीच में मैं क्यों जाना चाहूँगा। लेकिन पार्टी के अंदर जब पार्टी ने फैसला ले लिया सीएबी बिल का, तो उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने भी कह दिया कि ऐसे लोग जो विरोध करते हैं सीएबी का, वो स्वतंत्र है पार्टी छोड़ने के लिए, उसके बाद आज ये मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी होने वाली है। निश्चित तौर पर स्वतंत्र है, अगर पार्टी के विरोध अगर जाते हैं तो स्वतंत्र है, आप कहीं भी जा सकते हैं, उनको रोका किसने? तो आज आपको लगता है नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होगी, तो हो सकता है इस्तीफा भी अपना उसमें दे सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके दिल के अंदर तो हम घुसे नहीं है। लेकिन स्वतंत्र है प्रशांत किशोर पार्टी छोड़ने के लिए अगर वो चाहते हैं? हाँ, स्वतंत्र है, कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी कहीं जा सकते हैं कोई भी। कुछ फायदा हुआ उनसे जेडीयू को आपको लगता है? इतने एक साल दो साल साथ में रहे, आरसीपी सिंह तो कल कह रहे थे कि कुछ खास फायदा हुआ नहीं है ऐसे लोगों से। देखिए, 2005 में कहाँ कोई थे, 2000 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बना, 2010 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बना, 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बना, फिर 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने। नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुका है, और ये नीतीश कुमार जी का 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद, किसी के रणनीतिकार से ये सरकार नहीं बना है। नीतीश कुमार जी का जो विकास का जो एजेंडा, उसको बिहार के लोगों ने गले लगाया। तो संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सीएबी के मुद्दे पर नीतीश कुमार का विरोध किया है, उसके बाद ये निंदनीय है, पार्टी में रहकर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जो है एक स्टैंड लिया है। और ऐसे में संजय सिंह कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर अब पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं पार्टी छोड़ने के लिए, यानी जेडीयू की तरफ से साफ इशारा प्रशांत किशोर को हो चुका है कि वो पार्टी चाहे तो छोड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।